कुशल को बचपन से ही गाड़ी और बाइक का बहुत शौक था। वो बचपन में भी गाड़ी और बाइक से ही खेला करता था। जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़ा होता है, उसका ये शौक जुनून में बदल जाता है और वो बाइक और कार रेसिंग करने लगता है। वाह, आज की रेस में तो मजा ही आ गया। तूने उस लड़के को क्या पछाड़ा है, उसकी महंगी और लेटेस्ट गाड़ी होने की वजह से भी वो तुझसे जीत नहीं पाया। जीतने के लिए महंगी गाड़ी होना जरूरी नहीं है, अच्छी रेसिंग टेक्निक होना जरूरी है। मैंने वही किया। वाह क्या बात है, क्या बात बोला है तुमने, ऐसे ही तुम कार रेसिंग चैंपियन नहीं हो। विमल और ललित बहुत ही करीबी दोस्त थे। ललित हमेशा विमल का ख्याल रखता था और उसके लिए मैनेजर का काम किया करता था। अरे यार, मैं बोलता हूँ अब तू ये रेसिंग छोड़ दे, तेरी जान को भी बहुत खतरा है। अभी तो बस शुरुआत है, मुझे दुनिया की हर कार और बाइक की रेसिंग करनी है। तुम और तुम्हारा रेसिंग का शौक, अभी मैंने विदेश से नई हाईटेक कार मंगाई है, उस गाड़ी का कोई मुकाबला नहीं है। तभी विमल को कार डीलर का फोन आता है और वो उसे बताता है कि वो कार जो विमल को चाहिए थी उसे भेजने में कुछ वक्त और लग जाएगा। सर अभी मार्केट में विशाल डबल ट्रेन आने वाला है, अब आगे का जमाना ट्रेन रेस का ही होगा, इसलिए आपने जो गाड़ी मंगाई है उसे भेजने में समय लग जाएगा। क्या विशाल डबल ट्रेन? मुझे अब कार नहीं चाहिए, कुछ भी करके मुझे विशाल डबल ट्रेन चाहिए। मैं चाहता हूँ सबसे पहले मैं इस ट्रेन की रेस जीतने वाला व्यक्ति बनूं। अलग अलग देशों से लोग इस ट्रेन की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन आप हमारे पुराने कस्टमर हैं, इसीलिए मैं आपको ये ट्रेन सबसे पहले दिलवा सकता हूँ। वाह ये हुई ना बात, मुझे विशाल डबल ट्रेन सबसे पहले चाहिए ताकि दूर दूर के लोग मेरी रेसिंग हुनर के बारे में जान सके। कुछ ही दिनों में विशाल डबल ट्रेन आ जाती है। वो ट्रेन देखने में बहुत ही विशाल और सुंदर होती है। गांव के लोग पहली बार इतनी विशाल डबल ट्रेन देख रहे थे। देश विदेश के लोग और मीडिया वाले उस ट्रेन को देखने आने लगते हैं, जिस वजह से विमल का बहुत नाम होता है। तुमने तो कमाल ही कर दिया, देश विदेश के अखबार में तुम्हारा और विशाल डबल ट्रेन का फोटो छपा है। हर जगह ये खबर फैला दो कि मैं सभी को खुला चैलेंज करता हूँ, किसी में हिम्मत है तो आकर मुझसे रेसिंग मुकाबला करे, अगर मैं हार गया तो ये विशाल डबल ट्रेन मैं जीतने वाले को दे दूंगा। ये क्या बोल रहे हो तुम, इतनी महंगी ट्रेन वो भी गिफ्ट में? हाँ तुम बस वैसा करो जैसा मैं कहता हूँ। ललित कहे अनुसार विशाल डबल ट्रेन के बारे में दे देता है। अगले ही दिन ढेर सारे लोग उस ट्रेन से रेस करने के लिए आ जाते हैं। विमल अपने विशाल डबल ट्रेन से सभी को हरा देता है। क्या बात है, देश विदेश के बेस्ट रेसर भी इस ट्रेन के सामने हार मान गए। और नहीं तो क्या, लाखों में एक है ये ट्रेन, विदेश की चीजों की बात ही कुछ और होती है। उसी गांव में एक अजय नाम का व्यक्ति रहता था, उसकी रिपेयरिंग की शॉप थी। वो विमल की विशाल डबल ट्रेन को देखकर बहुत प्रभावित होता है और वो सोचता है क्यों ना ऐसी ट्रेन हम अपने देश में बनाएं। अगर ऐसी विशाल ट्रेन अपने देश में बने तो इसकी कीमत भी कम होगी। अजय कुछ कबाड़ी का सामान जोड़कर खुद का विशाल डबल ट्रेन बनाने लग जाता है। सबसे पहले गांव वाले उसका मजाक उड़ाते हैं और ये खबर उड़ते उड़ते ललित तक भी पहुंच जाती है। ललित भाई अजय से मिलने पहुंच जाता है। ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये विशेष ट्रेन विदेश के बड़े इंजीनियरों के द्वारा बनाया गया है। तुम्हारी ये कबाड़ से बनी ट्रेन इस ट्रेन का मुकाबला नहीं कर पाएगी। मैं सभी को दिखा देना चाहता हूँ कि हमारे देश में भी इतनी काबिलियत है कि वो विदेशी महंगे डबल ट्रेन से अच्छा ट्रेन बना सकती है। अच्छा मजाक है, जब बन जाए तो बता देना। अजय दिन रात मेहनत करके विशाल डबल ट्रेन बनाने में कामयाब हो जाता है। वो विमल की ट्रेन से भी अच्छी ट्रेन बनाता है। अजय के द्वारा बनाई गई विशाल डबल ट्रेन की चर्चा पूरे गांव में होने लगती है और ये खबर विमल के कानों तक भी पहुंच जाती है। क्या ये सच है कि हमारे गांव के किसी व्यक्ति ने मेरी ट्रेन से भी अच्छी विशाल डबल ट्रेन बनाई? हाँ है एक पागल, वो विदेश की विशाल डबल ट्रेन का मुकाबला अपने कबाड़ से बनाए हुए ट्रेन से कर रहा है। फिर तो उससे मिलना ही होगा, पूरे गांव में ऐलान करा दो कि अजय की विशाल डबल ट्रेन का मुकाबला विमल की विशाल डबल ट्रेन से होने वाली है। ललित पूरे गांव में ये ऐलान करा देता है। अजय को अपनी ट्रेन के ऊपर पूरा विश्वास था, इसीलिए वो भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है।
मुकाबले का दिन आ जाता है। देश विदेश की मीडिया इस मुकाबले को लाइव अपने चैनल पर चला रहे थे। तैयार हो जाओ हारने के लिए। तुम्हें अपनी कामयाबी पर घमंड हो गया है, लेकिन आज मैं तुम्हारा घमंड मिट्टी में मिलाकर रहूंगा। तभी रेस शुरू हो जाती है। गांव के सारे लोग विमल के लिए चीयर करने लगते हैं। दोनों ट्रेन एक दूसरे को जोरदार टक्कर दे रही थी। कभी विमल की ट्रेन आगे और कभी अजय की विशाल डबल ट्रेन। कम ऑन विमल, आज तुम दिखा दो कि तुम ही चैंपियन हो। ऐसे ही शानदार मुकाबला होता है और अंत में अजय की विशाल डबल ट्रेन जीत जाती है। पूरे गांव को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। हमारे देश में बनी हुई विशाल डबल ट्रेन, जिसकी लागत ये महंगी विदेश में बनी विशाल डबल ट्रेन से आधी है और इसकी रफ्तार इससे दुगनी। वाह भाई, मान गए, तुमने कमाल कर दिया। अब से मैं हमेशा अपने देश में बनी विशाल डबल ट्रेन से ही रेस करूंगा। अजय की स्वदेशी विशाल डबल ट्रेन पूरी दुनिया में फेमस हो जाती है। अजय को उस ट्रेन के बहुत ऑर्डर्स आने लगते हैं। अजय अपनी विशाल डबल ट्रेन बनाने की फैक्ट्री खोल लेता है और विमल उस ट्रेन का प्रचार प्रसार करता है। विमल को बचपन से ही गाड़ी और बाइक का बहुत शौक था। वो बचपन में भी गाड़ी और बाइक से ही खेला करता था। जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़ा होता है, उसका ये शौक जुनून में बदल जाता है और वो बाइक और कार रेसिंग करने लगता है। वाह, आज की रेस में तो मजा ही आ गया। तूने उस लड़के को क्या पछाड़ा है। उसकी महंगी और लेटेस्ट गाड़ी होने की वजह से भी वो तुझसे जीत नहीं पाया। जीतने के लिए महंगी गाड़ी होना जरूरी नहीं है, अच्छी रेसिंग टेक्निक होना जरूरी है। मैंने वही किया। वाह क्या बात है, क्या बात बोला है तुमने। ऐसे ही तुम कार रेसिंग चैंपियन नहीं हो। विमल और ललित बहुत ही करीबी दोस्त थे। ललित हमेशा विमल का ख्याल रखता था और उसके लिए मैनेजर का काम किया करता था। अरे यार, मैं बोलता हूँ अब तू ये रेसिंग छोड़ दे, तेरी जान को भी बहुत खतरा है। अभी तो बस शुरुआत है, मुझे दुनिया की हर कार और बाइक की रेसिंग करनी है। तुम और तुम्हारा रेसिंग का शौक। अभी मैंने विदेश से नई हाईटेक कार मंगाई है, उस गाड़ी का कोई मुकाबला नहीं है। तभी विमल को कार डीलर का फोन आता है और वो उसे बताता है कि वो कार जो विमल को चाहिए थी उसे भेजने में कुछ वक्त और लग जाएगा। सर, अभी मार्केट में विशाल डबल ट्रेन आने वाला है। अब आगे का जमाना ट्रेन रेस का ही होगा, इसलिए आपने जो गाड़ी मंगाई है उसे भेजने में समय लग जाएगा। क्या विशाल डबल ट्रेन? मुझे अब कार नहीं चाहिए, कुछ भी करके मुझे विशाल डबल ट्रेन चाहिए। मैं चाहता हूँ सबसे पहले मैं इस ट्रेन की रेस जीतने वाला व्यक्ति बनूं। अलग अलग देशों से लोग इस ट्रेन की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन आप हमारे पुराने कस्टमर हैं, इसीलिए मैं आपको ये ट्रेन सबसे पहले दिलवा सकता हूँ। वाह, ये हुई ना बात। मुझे विशाल डबल ट्रेन सबसे पहले चाहिए, ताकि दूर दूर के लोग मेरी रेसिंग हुनर के बारे में जान सके। कुछ ही दिनों में विशाल डबल ट्रेन आ जाती है। वो ट्रेन देखने में बहुत ही विशाल और सुंदर होती है। गांव के लोग पहली बार इतनी विशाल डबल ट्रेन देख रहे थे। देश विदेश के लोग और मीडिया वाले उस ट्रेन को देखने आने लगते हैं, जिस वजह से विमल का बहुत नाम होता है। तुमने तो कमाल ही कर दिया, देश विदेश के अखबार में तुम्हारा और विशाल डबल ट्रेन का फोटो छपा है। हर जगह ये खबर फैला दो कि मैं सभी को खुला चैलेंज करता हूँ, किसी में हिम्मत है तो आकर मुझसे रेसिंग मुकाबला करे। अगर मैं हार गया तो ये विशाल डबल ट्रेन मैं जीतने वाले को दे दूंगा। ये क्या बोल रहे हो तुम, इतनी महंगी ट्रेन वो भी गिफ्ट में? हाँ, तुम बस वैसा करो जैसा मैं कहता हूँ। ललित कहे अनुसार विशाल डबल ट्रेन के बारे में दे देता है। अगले ही दिन ढेर सारे लोग उस ट्रेन से रेस करने के लिए आ जाते हैं। विमल अपने विशाल डबल ट्रेन से सभी को हरा देता है। क्या बात है, देश विदेश के बेस्ट रेसर भी इस ट्रेन के सामने हार मान गए। और नहीं तो क्या, लाखों में एक है ये ट्रेन, विदेश की चीजों की बात ही कुछ और होती है। उसी गांव में एक अजय नाम का व्यक्ति रहता था, उसकी रिपेयरिंग की शॉप थी। वो विमल की विशाल डबल ट्रेन को देखकर बहुत प्रभावित होता है और वो सोचता है क्यों ना ऐसी ट्रेन हम अपने देश में बनाएं। अगर ऐसी विशाल ट्रेन अपने देश में बने तो उसकी कीमत भी कम होगी। अजय कुछ कबाड़ी का सामान जोड़कर खुद का विशाल डबल ट्रेन बनाने लग जाता है। सबसे पहले गांव वाले उसका मजाक उड़ाते हैं और ये खबर उड़ते उड़ते ललित तक भी पहुंच जाती है। ललित भाई
अजय से मिलने पहुंच जाता है। ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये विशेष ट्रेन विदेश के बड़े इंजीनियरों के द्वारा बनाया गया है। तुम्हारी ये कबाड़ से बनी ट्रेन इस ट्रेन का मुकाबला नहीं कर पाएगी। मैं सभी को दिखा देना चाहता हूँ कि हमारे देश में भी इतनी काबिलियत है कि वो विदेशी महंगे डबल ट्रेन से अच्छा ट्रेन बना सकती है। अच्छा मजाक है, जब बन जाए तो बता देना। अजय दिन रात मेहनत करके विशाल डबल ट्रेन बनाने में कामयाब हो जाता है। वो विमल की ट्रेन से भी अच्छी ट्रेन बनाता है। अजय के द्वारा बनाई गई विशाल डबल ट्रेन की चर्चा पूरे गांव में होने लगती है और ये खबर विमल के कानों तक भी पहुंच जाती है। क्या ये सच है कि हमारे गांव के किसी व्यक्ति ने मेरी ट्रेन से भी अच्छी विशाल डबल ट्रेन बनाई है? हाँ है एक पागल, वो विदेश की विशाल डबल ट्रेन का मुकाबला अपने कबाड़ से बनाए हुए ट्रेन से कर रहा है। फिर तो उससे मिलना ही होगा। पूरे गांव में ऐलान करा दो कि अजय की विशाल डबल ट्रेन का मुकाबला विमल की विशाल डबल ट्रेन से होने वाली है। ललित पूरे गांव में ये ऐलान करा देता है। अजय को अपने ट्रेन के ऊपर पूरा विश्वास था, इसीलिए वो भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। मुकाबले का दिन आ जाता है। देश विदेश की मीडिया इस मुकाबले को लाइव अपने चैनल पर चला रहे थे। तैयार हो जाओ हारने के लिए, तुम्हें अपनी कामयाबी पर घमंड हो गया है, लेकिन आज मैं तुम्हारा घमंड मिट्टी में मिलाकर रहूंगा। तभी रेस शुरू हो जाती है। गांव के सारे लोग विमल के लिए चीयर करने लगते हैं। दोनों ट्रेन एक दूसरे को जोरदार टक्कर दे रही थी। कभी विमल की ट्रेन आगे और कभी अजय की विशाल डबल ट्रेन। कम ऑन विमल, आज तुम दिखा दो कि तुम ही चैंपियन हो। ऐसे ही शानदार मुकाबला होता है और अंत में अजय की विशाल डबल ट्रेन जीत जाती है। पूरे गांव को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। हमारे देश में बनी हुई विशाल डबल ट्रेन जिसकी लागत ये महंगी विदेश में बनी विशाल डबल ट्रेन से आधी है और इसकी रफ्तार इससे दुगनी। वाह भाई, मान गए, तुमने कमाल कर दिया। अब से मैं हमेशा अपने देश में बनी विशाल डबल ट्रेन से ही रेस करूंगा। अजय की स्वदेशी विशाल डबल ट्रेन पूरी दुनिया में फेमस हो जाती है। अजय को उस ट्रेन के बहुत ऑर्डर्स आने लगते हैं। अजय अपनी विशाल डबल ट्रेन बनाने की फैक्ट्री खोल लेता है और विमल उस ट्रेन का प्रचार प्रसार करता है।